गाइस, आज मैं आपको समझाता हूँ टेंसेस। टेंसेस क्या होता है हमारे? तीन तरह के होता है टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में भी चार तरह की हमारी चीज आती है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार चीज आती है। आज मैं आपको उसमें से सिंपल प्रेजेंट बताने वाला हूँ कि सिंपल प्रेजेंट आखिर हमारे होते क्या है। पर उससे पहले आपको एक बात बताता चलूं, टेंसेस जब हम समझ रहे हो तो उससे पहले हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं समझेंगे तो टेंसेस हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देगा समझने के लिए। तो उससे पहले आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन को समझे। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, शो हो रही होगी आपको, जाकर देख लीजिएगा। सही है, अब देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ये होते ही क्या है हमारे और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। यूज फॉर हैबिट्स, यूनिवर्सल रूट, रिपीटेड एक्शंस एंड कॉम्प्लीमेंट। हैबिट्स पर यूज होते हैं कोई भी हमारे रोजमर्रा की चीजें, यूनिवर्सल रूट। जैसे मैं बोलूँ सूरज मशरक से निकलता है, ये आलम ही सच है। सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ। रिपीटेड एक्शन, कोई भी एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे यूज होते हैं ये। कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। सही है, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ हम प्लस करेंगे एस ई एस को, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एस ई एस हमारी जगह प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ इन जगहों पर हम एस ई एस को प्लस करेंगे। ही शीट के साथ हम प्लस करेंगे एस ई आई एस को, और नेम के साथ कोई भी नेम हो गया, जैसे मैं बोलूं अली, हसन, जमाल वगैरह वगैरह, जितने भी नाम है उसके साथ हम प्लस करेंगे एस ई एस को वर्ब में। सही है, सब्जेक्ट में हमारा कोई भी हो गया, ही शीट हो गया, या कोई भी नाम हो गया हमारे सब्जेक्ट में। अब उसके बाद जो वर्ब आएगा, इस वर्ब में हम प्लस करेंगे किसको? एस या ई एस को। सही है, सब्जेक्ट में जब ही शीट और नाम होगा तब हम वर्ब में प्लस करेंगे एस या ई एस को। अगर सब्जेक्ट में यू हो गया या दे हो गया या वी हो गया तब हम प्लस नहीं करेंगे एस ई एस को। सही है, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है, ये बस इनके ही साथ हम प्लस करेंगे एस और ई एस को। सही है, जैसे मैंने यहाँ लिया ही, तो ही के साथ हमने प्लस करना है एस या ई एस। ही ईट जो है पहले मैंने बोल दिया, फिर बाद में क्या बोला मैंने, ही ईट्स। लास्ट में मैंने क्या लगाया, एस मैंने प्लस कर दिया, ही ईट्स मैंने बोला इधर, ईट्स, ही ईट्स। सही है, तो लास्ट में मैंने एस को प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ ईट आ रहा है। सही है, सब्जेक्ट ईट आ रहा है। सही है, तो वर्ब क्या आ रहा है, वर्ब हमारा आ रहा है ईट, तो इसलिए मैंने इसको इसमें प्लस कर दिया। आगे देख लेते हैं, इफ वर्ब एंड विथ एस एस सी एच एस एच वी एट ई एस। अगर कोई भी हमारा वर्ब एंड होगा एस एस से, सी एच से, एस एच से, तो हम ऐड करेंगे ई एस को। किस तरह, ये देख लेते हैं, पास्ट विच वॉश। पास में क्या आ रहा है हमारा, लास्ट में पास में हमारा आएगा एस एस। सही है, पुश की बात करें क्या आएगा लास्ट में, एस एच आएगा। सही है, एस एच। वॉच की बात करें, देख रहे हैं, वॉच, वॉच में क्या आएगा लास्ट में, सी एच। सही है, अब इनमें ये चीजें आ रही है लास्ट में, इनके साथ हम हमेशा प्लस करेंगे ई एस को। सही है, जैसे पास है तो इधर हमने कर दिया पासेस, पुश है पुशेस कर दिया, वॉच है वॉचेस कर दिया। वॉच में क्या आ रहा है लास्ट में, सी एच आ रहा है। सही है, तो सी एच जब लास्ट में आ रहा है इसके, तो हम इसमें और प्लस कर देंगे ई एस को, तो ये क्या हो जाएगा, वॉचिस हो जाएगा, ई एस भी हमने इसमें प्लस कर दिया। सही है, ये है ये एक गेम। और उसके अलावा अब जा जा एस एस सी एच एस एच नहीं आएगा, वाह वाह, हम एस को प्लस करेंगे, बट ये रूल होना चाहिए सब्जेक्ट में हमारे, ये चीज़ आना चाहिए, ही शीट या नेम आना चाहिए। सही है, उसके अलावा एक और फ्लाई और किराए। सही है, फ्लाई और किराए, कोई भी वर्ब हमारा एंड हो रहा होगा वाई से, तो हम उसमें क्या कर देंगे, आई ई एस को प्लस कर देंगे वाई को हटाकर। सही है, फिलाई और किराए, फिलाई के बदले होगा फिलाइज, किराए के बदले होगा किराइज। वाई से एंड हो रहा है फिलाई, वाई को हटाकर हमने आई ई एस ले आया। वाई से एंड हो रहा है किराया, वाई को हटाकर हम क्या ले आए, आई ई एस ले आए, तो ये हो गया किराइज। अब देखते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे यूज हो रहे हैं। उससे पहले एक बात बताइए, चलो जो एफ और ई एस का हम प्लस कर रहे थे ना, इस्तेमाल कर रहे थे, ये हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं करते, ये सिर्फ हम अफर्मेटिव पॉजिटिव में करते हैं। अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही चीज़ है, ये हम पॉजिटिव में इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं, पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं एस और ई एस का। सही है, हम ऐड नहीं कराते हैं एस ई एस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, बल्कि उसके बदले हम क्या करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डस को ऐड कराते हैं। सही है, इस तरह से एक एग्जाम्पल मैंने दी है दोनों। पर उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर डू हमारा किसके साथ यूज़ होगा और डस हमारा किसके साथ यूज़ होगा। डू हमारा यूज़ होगा यू आई वी डे, यू आई वी डे के साथ हम यूज़ करेंगे डू का, और ही शी इट नेम के साथ हम यूज़ करेंगे डस का। सही है,
अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये आ रहा है, डस का यूज करेंगे हम, ये के साथ लिखा हुआ है ही डस नॉट ईट। सही, हमेशा निगेटिव सेंटेंस में नॉट तो हम ऐड कराते ही हैं, तो नॉट तो वैसे ही आना ही, ऑब्वियसली आना है। सही, ही डस नॉट ईट, वो नहीं खा खाते है। सही, अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो नॉट हट जाता है इंट्रोगेटिव में। सही है, इंट्रोगेटिव में नॉट हट जाता है। डस ही ईट, क्या हुआ, डस पहले आ गया, डस के बाद क्या आ रहा है हमारा, ही आ रहा है, इसलिए डस पहले आ रहा है। सही, डस ही ईट, वो खाता है। सही, पूछ रहा है बंदा, वो खाता है। सही, तो इधर क्या आ रहा है हमारा, इधर हमारा आ रहा है ही, तो डस भी आएगा हमारा। सही है, क्योंकि ही के साथ हमारा डस आता था, तो इसलिए इधर हमारा डस भी आएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, लफ्ज़ों की पहचान। सही है, वो एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लफ्ज़ों की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। ता ती ते, सही है, ये वाले लफ्ज़ हैं, ता ती किसी भी वर्ड के आखिरी में आएगा, ता ती ते, तो वो सिंपल प्रेजेंट का वर्ड होगा, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। ये बात याद रख लो, लफ्जों की पहचान नहीं है। जैसे बोलता हूँ खाता, खाती, खाते। सही है, भागता, भागती, भागते, तो आखिरी में क्या आ रहा है, ते आ रहा है ये वाला। सही है, तो कोई भी वर्ड के लास्ट में या सेंटेंस के लास्ट में ये आएगा तो समझ जाना वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है वो। सही है, ये एक पहचान होती है, ये भी बता दी मैंने आपको। ये है कुछ हमारे सिंपल प्रेजेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा सिंपल प्रेजेंट आखिर होता क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका। अगर समझ आ गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें कुछ समझ ना आए तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितनी भी हमारी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो भी आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।